सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो मैं हूं बीजे, सब्सक्राइब कीजिए। कैसे गाइस आप लोग? मैं तो बहुत ही बढ़िया, होपफुली आपसे भी बंदे बड़े होंगे। सो गाइस, आज बहुत टाइम के बाद मैं चला रहा हूं अपनी कार। लिटरली में गाइस काफी ज्यादा टाइम हो चुका है मुझे अपनी कार चलाए हुए, और आप मेरे चेहरे पर खुशी देख सकते हो। चल प्रियु, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगा आंख में सूजन आ चुकी है, मुझे ऐसा लगा। हेलो, देख तेरी ये वाली आंख में सूजन है। कोई नहीं गाइस, चलिए चलिए अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक हो जाएगा और मैं चाहता नहीं कि यहाँ पर जरा सा भी ट्रैफिक हो। और कार चलाने से पहले हमेशा सीलबेल्ट लगा लीजिए। ये ले प्रियु, सीट बेल्ट आपकी सुरक्षा के लिए ही होता है। सो लेट्स गो, निकलते हैं। जय महादेव, जय आदि योगी। तेरा डोर ओपन है, कैसा लग रहा है भाई? कितने दिनों बाद बहुत हम लोग, लिटरली में बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत दिनों के बाद भाई कार निकाली है। yes. और कार गाय के लिए भाई बहुत टाइम के बाद कार चलाना, मतलब ऐसा समझो कि आपको जन्नत मिल रही है, आपको ऐसा लगेगा भाई। स्वर्ग भाई, तू तो गया भी होगा अभी थोड़े दिन, मतलब थोड़े दिन के अंदर तू गया भी होगा, बट मैं तो कितने टाइम के बाद यहाँ पे कहाँ पर गया हूँ। बस ये कार की बैटरी जो मैंने चार्ज करवा रखी थी, उसके बाद मैंने बस एक सेल्फ लगाया था। मैं तब बाहर निकला भी नहीं था, बस मैंने सेल्फ ही लगाया था। ओके, निकला नहीं हूँ मैं, कार में बैठा हूँ बट निकला नहीं हूँ। yes. अभी निकल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और प्रियु देख, आज अगर तूने फोटो की मगज मारी, नहीं मगज मारी तो होगी, तो आज मारा मारी हो जाएगी। ठीक है गाइस, आज मगज मारी होगी और होके ही रहेगी, अगर नहीं तो हर बार की लड़ाई हो जाएगी। लिटरली मैं बोल रहा हूँ मैं। और गाइज, आप बोल रहे होगे कि मेरी आवाज ऐसी क्यों हो गई है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा खांसी हो गई है, खांसी सर्दी दोनों। जुकाम, जुकाम मतलब भाई खांसी सर्दी नहीं होता है, जुकाम होता है। जुकाम कोल्ड जो भी बोलो, ऐसा क्या है जो भी बोलो, जिसको जो जिस लैंग्वेज में कहा जाता है उसे वही कहना चाहिए। अगर लहरीपुरा से जाएंगे तो लिटरली में हालत खराब हो जाएगी, इससे अच्छा मांडवी से वापिस टर्न लेके हम लोग फतेहपुरा से निकल जाएंगे। आप लोग सोचोगे ये मैं बड़बड़ क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं अकेले अकेले भी मैं कार में अगर बैठा हूँ तो रास्ते के लिए मैं बड़बड़ करता रहता हूँ। गाइस अभी आप सोचो कि हम लोग कौन सा गाना गाने वाले, आप गेस कर रहे हैं। मैंने उस दिन तेरे को कार चलाना सिखाई थी, अभी याद है कुछ भी या फिर से नया ट्यूटोरियल ही देना पड़ेगा? फिर से। देख, इसको कहते हैं स्टीयरिंग, इसका कुछ भी नहीं करना है तुझे, ये पावर स्टीयरिंग होता है, ये तू एक हाथ से भी चला सकते, दो हाथ से भी, तुझे जैसी मर्जी। बराबर, देख अभी वो है एक्सीलरेटर, फिर इसके बाद ये है ब्रेक। okay. ये है क्लच। okay. क्लच मैनुअल कार की जान होती है, अगर तू क्लच लगाएगी तभी ये गियर पड़ेगा। ठीक है, गियर शिफ्टिंग तो तभी कर सकते जब तक क्लच तेरे हाथ में। ठीक है, क्लच दबा कर ही ब्रेक लगाना है और धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है, धीरे धीरे एक्सेलरेशन देना है। ठीक है, मतलब ये देख, ऐसे अगर तूने क्लच ऐसे ऐसे छोड़ा तो तुझे धीरे धीरे एक्सेलरेटर ऐसे देना है। ठीक है, एक्सेलरेटर? हाँ, मतलब वो एबीसी वाला एक्सेलरेटर बोलते हैं उसको, जो भी हो। चलो रेडी। yes. अभी क्लच दबा के तुझे कार स्टार्ट करनी है, पूरा क्लच दबा दे। तू तेरे हिसाब से सीट भरा, बार में तू बोलना मत, बाद में जो झटके देगी, झटके नहीं देने। अगर तूने झटका दिया तो माँ कसम तुझे मारूंगा, एक टपली पड़ेगी। मतलब क्या करना है तुझे, सीट और आगे करनी है कि नहीं करनी है? करनी। हाँ, कंप्लीट है। आर यू श्योर? 100% श्योर? ओके, चल अभी तेरी बारी। जल जय माता दी, आदिनाथ बचाना मुझे। ओके, डन डन डन। अभी रुक, सबसे पहले ये हैंड ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक है, इसको नीचे करना है। नहीं अभी नहीं, अभी ये क्लच दबाया, अभी क्लच दबा के ये फर्स्ट गियर देख, ये फर्स्ट गियर। अभी धीरे धीरे क्लच छोड़े, धीरे धीरे एक्सीलरेटर, एकदम धीरे धीरे, एकदम प्यार से। चल अभी धीरे धीरे क्लच छोड़, पहले क्लच छोड़, एक्सीलरेटर दे। चल, अरे क्लच तो छोड़। छोड़ा मैंने ऐसे? अरे पूरा नहीं, आधा आधा छोड़। चल छोड़, अभी जाने जाए, एक्सेलरेटर दे। देख ये झटका नहीं चलेगा। चल फिर से अभी कार स्टार्ट कर, फिर से झटका। हाँ, क्लच दबा, क्लच पूरा कितना दब जाता है अभी तुझे? हाँ चल, अभी
धीरे धीरे क्लच हटा और एक्सीलेटर दे, धीरे धीरे और एक्सीलेटर एकदम कम देना है, देख ये आरपीएम में इतनी नहीं जानी चाहिए। चल अभी धीरे धीरे क्लच पर से पैर हटा हटा, अरे तू पूरा की पूरा नहीं हटाना है, चिपा चिपका के रखना है, ये देख। सो गाइस अभी हम लोग निकले हैं आइसक्रीम खाने के लिए, इसको बहुत ही ज्यादा खांसी है बट फिर भी ये अटक नहीं रही है भाई, ये रुक नहीं रही, इसको बहुत ही ज्यादा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। और इसकी जीत के सामने भाई मुझे झुकना पड़ रहा है क्योंकि लिटरली मैं ये काफी ज्यादा भाई आइसक्रीम की भूखी और काफी ज्यादा ये जिद्दी हो चुकी है आजकल, इसकी मैं हर बात मान रहा हूँ, इसलिए थोड़ी जिद्दी हो चुकी है। वैसे कार में आने का प्लान मेरा था बट आइसक्रीम खाने का प्लान इसका था। क्यों? यस चलो अभी निकला आइसक्रीम खाने, देखते हैं कौन से आइसक्रीम खानी है। ओरियो वाली आती है वो, एक लपाड़ पड़ेगा अभी, चुपचाप जो वेनिला आइसक्रीम खिलाऊंगा वही खाना है तुझे, ठीक है? नहीं प्लेन तो नहीं खाना, मतलब कोई फ्लेवर वाला भी नहीं खाना एकदम, तो ओरियो फ्लेवर वाला नहीं हुआ, फ्लेवर वाला मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर, वो एकदम प्लेन नहीं खाना, मतलब ओरियो वाला खाना है। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ प्रियु के लिए कोल्ड कोको लेने, चोको ब्राउनी आइसक्रीम आ चुकी है, अभी अच्छा लगेगा। कोल्ड कोको मैं लेने गया, वहाँ पर कोल्ड कोको अवेलेबल नहीं था और वहाँ पर भीड़ इतनी थी, मैं चलो चुपचाप निकल गया, वहाँ से पूछा भी नहीं, मैंने पूछा कोल्ड कोको है, बोले नहीं है, तो चुपचाप निकल गया, दूसरा कुछ मैंने पूछा नहीं। देखो 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 इसको खांसी कितनी है और इसको आइसक्रीम खाना है, मार खिलाऊंगा आज घर पे आ तू, भले मैंने आइसक्रीम खिलाया तुझे, वैसे थोड़ा मार तो मुझे भी पड़ेगा। सो गाइस मेरा आइसक्रीम अभी कंप्लीट हो चुका है, प्रियु का अभी बाकी है, वैसे अभी मैं ड्राइविंग करने वाला हूँ तो प्रियु आराम से खा सकती है। सो चलो, और सॉरी गाइस मैं व्लॉग डेली नहीं रख रहा हूँ बट अभी मेरे बोर्ड्स के एग्जाम भी है, एक महीना भी पूरा बाकी नहीं है अभी तो गिनने जाए तो, और मेरे तो कैसे प्रीबर्ड्स चालू हो रहे हैं पता नहीं। सो कोई नहीं गाइस, चलो अभी हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।